हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। आवासीय सरकारी स्कूल से शिक्षक भर्ती का नया एडवर्टीजमेंट, इसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा चांस रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में ही जो है पढ़ाना होगा, कोई फीस नहीं है। आवेदन करते समय BEd आपने किया है, BTC, BSTC, DLED आपने किया है, बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। BEd के साथ में 2 साल का जो है प्रारंभिक शिक्षा में जो आपके पास कोई भी डिप्लोमा डिग्री है, तो यहाँ पर निशुल्क आवेदन किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बाकी जो है आयु, योग्यता, वेतन, कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है मिलेगा, ऑफलाइन मोड में आप लोगों को अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि रेजिडेंशियल स्कूल में केवल महिला कैंडिडेट को ही आवेदन करने का मौका मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी योग्य महिला हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात एक और है, स्कूल का जो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कस्तूरबा विद्यालय में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, और सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसी जो है वो बिल्कुल जल्द आएगी, हर राज्य में वैकेंसी आएगी। इसमें जो है CTET आपने किया है या फिर आपके राज्य का TET है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, फुल टाइम टीचर 1 to 8th क्लास को पढ़ाने के लिए। हिंदी भाषा वैकेंसी है, मैथ्स की है, साइंस की है जिसमें जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, और SST के टीचर्स की वैकेंसी है। कुल पदों की संख्या इसमें 8 है, ठीक है। कोई फीस नहीं देनी है। ये पूरा एड्रेस है और एनवलप के ऊपर आप लोगों को ये एड्रेस लिखना होगा जब भी आप आवेदन करते हैं। स्कूल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। अब देख लेते हैं चयन के लिए योग्यताएं, तो आप यहां देख सकते हैं BEd या फिर प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोई भी आपने प्राइमरी लेवल का किया है या BEd किया है तो आप बिल्कुल यहां पर एलिजिबल हैं। न्यूनतम 50% अंक आपके स्नातक में होने जरूरी हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन सब्जेक्ट्स में तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होनी चाहिए आपकी। वैकेंसी जो है झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई है। आवेदन के लिए JTET, CTET या पड़ोसी राज्यों से TET उत्तीर्णता अनुमान्य होगी, ठीक है। तो किसी भी राज्य का TET जो है यहाँ पर बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय का नाम, 2 विद्यालयों में वैकेंसी है, एक तो है नंबर 1 और नंबर 2 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। इनका जो एड्रेस है गोलमुरी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है, एक है लखाई डी डुमरिया पूर्वी सिंहभूम, ये दोनों स्कूलों में वैकेंसी है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष और अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर 35 ईयर है। फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, अनरिजर्व, EWS, BC1, BC2, 38 ईयर इसमें उम्र रखी गई है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 ईयर है। SC ST मेल फीमेल दोनों की 40 साल है। PWD जो है वो 10 साल। अब यहाँ पर जो है आवेदन कैसे करना है ये जान लें। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी PDF फाइल में सबसे नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म ये पूरा पेज लेंगे, इसे फिल करना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटैच्ड कर देनी है। जितने भी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, सभी की जो है छाया प्रति फ़ोटोकॉपी। जो आरक्षित वर्ग हैं तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, आवेदित पद का नाम, कोटी किस कैटेगरी के हैं वो जरूर अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदार होंगे, ठीक है। तो कोटी अंकित जरूर करना है। तो ये पूरा जो है नोटिफिकेशन, झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से वैकेंसी है, और इसमें सैलरी जो है क्या कही गई है, तो सैलरी हमने अभी
यहाँ पर देखिए देय परिलब्धि, इसमें लिखा है कि शिक्षिकाओं का जो चयन है संविदा के आधार पर, शिक्षक और शिक्षिका दोनों की है वैकेंसी, सैलरी कम है 15,840 प्रति माह देय होगी, लेकिन इसमें जो है ये लोग इसे बढ़ाते जाएंगे हर वर्ष, ₹250 की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो हर साल जो है ये बढ़ते जाएंगे, ये है वैकेंसी। अब कैसे जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन देखना है, सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, ईस्ट सिंहभूम, इसमें नीचे आना है, यहाँ पर नोटिस या व्हाट्स न्यू में आप लोगों को यहाँ ऊपर दिखेगा NSCBAV, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, बस इस पर क्लिक कर लेंगे। एक और जो है न्यू पेज, और यहाँ पर एंडिंग डेट जो है 10 सितंबर 2024 है, 23 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हैं, बिल्कुल नया ही जो है ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ आप देख सकते हैं, और डाउनलोड करने का ऑप्शन आगे दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ठीक है, तो पूरा जो है आप लोग डाउनलोड करके फिल करके और एड्रेस पर भेज देंगे। एड्रेस जो है वो कहाँ मिलेगा, तो एड्रेस यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, पूर्वी सिंहभूम, पुराना समाहरणालय, ब्लड बैंक के समीप, CH एरिया विष्टुपुर जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम 831001। लास्ट डेट बता दी आपको 10 सितंबर 2024। ठीक है, कोई फीस नहीं है इसमें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ किसी भी राज्य से संबंधित। थैंक यू।